जो लोग इसके लिए मेहनत करते होंगे वो ये चीज नहीं खाएंगे। समझ आ रहा है? जो इसके लिए मेहनत करते होंगे ना वो ये चीज, तो अगर इसके लिए वो मेहनत करते हैं, आपको ये चीज बनानी है, आपको क्या चीज बनानी है? अब इनके पास ये है, काफी पैसा है, अब ये नहीं बनाना है, आपको क्या बनाना है? ये रहेगा सबसे पहले इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होता है? जब भी मैं आपको कहूंगा ना इकोनॉमी, तो आप समझना सर करता है बात बिजनेस की, सर करता है बात कंट्री की, सर करता है बात वर्ल्ड की, सर करता है बात यूनिवर्स की, जहां पे बिजनेस हो रहा है। नहीं समझ आ रहा? जब कभी भी मैं बात करूं इकोनॉमी की, क्या ये टर्म आपके इकोनॉमिक्स में बहुत बार इस्तेमाल हो जाएगी? आपने कभी सुना होगा इकोनॉमी बढ़ती है, कम इकोनॉमी कम हुई, लेकिन इकोनॉमी है क्या? इकोनॉमी, इज इट क्लियर? तो मैं आपको बताऊंगा, व्हेन आई यूज द टर्म इकोनॉमी, तो आपको क्या समझना है? आपको समझना है सर करता है बात बिजनेस की, सर करता है बात एक ऑर्गेनाइजेशन की, सर करता है बात एक वर्ल्ड की। समझ आ रहा है? उस वर्ल्ड में जहां पे बिजनेस होते हैं, या एक कंट्री जिसमें बिजनेस हो रहा है, इज इट क्लियर? या पूरा वर्ल्ड जिसमें क्या हो रहा है, बिजनेस। तो दैट्स व्हाट यू कॉल इकोनॉमी, इज इट क्लियर? नाउ अगर हम डेफिनेशन पे जाए, व्हेन अ कंट्री और ए जियोग्राफिकल रीजन इज डिफाइंड इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ इट्स इकोनॉमिक, इट इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो काम होता है द एक्टिविटी विच इज डन फॉर मनी। क्या 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 कहा मैंने? अगर कोई कहेगा आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, बेटा कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो हम कहेंगे बेटा द एक्टिविटी विच इज डन फॉर मनी। बेटा क्या पढ़ाया था ना मैंने, ये इतना डीप पढ़ाया, विच इज डन फॉर मनी, वो काम जो हम पैसों के लिए करते हैं, दैट्स व्हाट यू कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो काम जो हम पैसों के लिए करते हैं उसे क्या हम कहते हैं? वो समझ आ रहा है? ठीक है, परचेज, चीजें बनाना, प्रोडक्शन है ना, प्रोडक्शन हम क्यों करते हैं? प्रोडक्शन, चीजें बनाते हैं ना, यू से इट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, सेल करते हैं ना, सेल करते हैं, व्हाट इज इट? इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपका पापा काम करता है, इट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। मेरा पापा बैंक में है, इट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो काम जो हम करते हैं पैसा कमाने के लिए, यू कॉल दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन टॉपिक क्या है हमारा, व्हाट इज इकोनॉमी? जब एक कंट्री या कोई भी जियोग्राफिकल रीजन को हम डिफाइन करें किसके इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, मतलब कि इस कंट्री में कितना बिजनेस हो रहा है, समझ आ रहा है? इस वर्ल्ड में, लेट इट बी, हम कर रहे हैं कमरवारी की बात, किसकी बात कर रहे हैं? समझ आ रहा है? बात समझिए, हम कर रहे हैं बात, आपने सुना होगा, ऐसे सुना होगा, कश्मीर, अगर कश्मीर में टूरिज्म बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? टूरिज्म, इसका इकोनॉमी बढ़ेगा, इसका इकोनॉमी बढ़ेगा। व्हाट डज इट मीन? बिजनेस बढ़ेगा ना, बढ़ेगा क्या? समझ आया इकोनॉमी? व्हेन आई से इकोनॉमी, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स बिजनेस, इट मीन्स कंट्री जहां पे बिजनेस हो रहा है, इट मीन्स वर्ल्ड जहां पे बिजनेस, या इट मीन्स कोई एरिया जहां पे बिजनेस। समझ आ रहा है? तो व्हाट इज इकोनॉमी? व्हेन अ कंट्री और ए जियोग्राफिकल रीजन इज डिफाइंड इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ इट्स, इट इज नोन एज, उससे क्या हम कहेंगे? तो आम भाषा में जब भी मैं इकोनॉमी की बात करूंगा तो आप क्या समझेंगे? सर किसकी बात कर रहे हैं? तो बिजनेस बढ़ना चाहिए। अगर बाहर से टूरिस्ट यहां पे आएगा, बिजनेस बढ़ेगा कि कम बढ़ेगा? बढ़ेगा, तो इकोनॉमी बढ़ गई। समझ आया? नहीं, अगर फॉरेन टूरिस्ट यहां पे आ गए, फॉरेन, इज इट क्लियर? यहां पे इकोनॉमी बढ़ेगी कि कम होगी? इकोनॉमी मींस बिजनेस, इकोनॉमी मींस, समझ आया? मतलब अब आई यूज दिस टर्म, कभी मैं इसका मतलब बिजनेस, कभी एरिया, ठीक है, उस एरिया में जहां पे बिजनेस हो रहा है। सो व्हेन अ कंट्री और ए जियोग्राफिकल रीजन इज डिफाइंड इन द कंटेक्स्ट ऑफ इट्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इट इज नोन एज, क्या कहते हैं उसे? इकोनॉमी। टफ लगा? क्या कहते हैं उसे? इकोनॉमी। इसमें क्या क्या आता है?
इट इंक्लूड्स, इस इकोनॉमी में, मतलब हम कहते करते ना बिजनेस की बात, इट इंक्लूड्स प्रोडक्शन, इट इंक्लूड्स, शाबाश, कंजप्शन, और तीसरा ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड। चलो आप लोगों ने, आप में बिजनेस कर रहे हो, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, अब मुझे बताओ बिजनेस बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा, मींस इकोनॉमी बढ़ेगी। गवर्नमेंट क्यों दे रहा है इतनी स्कीम्स, गवर्नमेंट क्यों दे रहा है इतनी स्कीम्स, ताकि लोग बिजनेस करें, लोग बिजनेस करें, इकोनॉमी बढ़े, इकोनॉमी, इज इट क्लियर? समझ आए, समझ आए? एनी क्वेश्चन है? यहां पे मैंने क्या कहा, इट इंक्लूड्स पहला, दूसरा, तीसरा ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड इन अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया, और मतलब इसमें क्या हम कहते हैं, इस इकोनॉमी में आता है प्रोडक्शन, कंजप्शन, ट्रेडिंग ऑफ, चीजें कितने बनाते हैं, कितने इस्तेमाल करते हैं, बाय और सेल कितना हो रहा है किसी एरिया में, किसी, दैट्स व्हाट यू कॉल इकोनॉमी, दैट्स व्हाट यू कॉल, समझ आ रहा है? क्योंकि मैं ये टर्म हजार बार इस्तेमाल करूंगा ट्वेल्थ में, कौन सी टर्म? सो व्हेन अ कंट्री और ए जियोग्राफिकल रीजन इज डिफाइंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो उसे हम क्या कहते हैं, इकोनॉमी। और इस इकोनॉमी में बेटा क्या क्या आता है, प्लीज मुझे बताए, प्रोडक्शन आता है, कंजप्शन आता है, इन ए स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया, ये इकोनॉमी, ये इकोनॉमी, ठीक है, पहले तो मैंने डिफाइन किया, अब मैं कह रहा हूं इस इकोनॉमी में क्या क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है सर प्रोडक्शन, कंजप्शन, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, दैट्स व्हाट यू कॉल्ड इकोनॉमी। चाहे चीजें बनाओ, चाहे चीजें इस्तेमाल करो, या बाय और सेल करो किसी एरिया में, चाहे कमरवारी में बनाओ, कमरवारी का बिजनेस बढ़ेगा, कमरवारी में इस्तेमाल कर रहे हो, कमरवारी का बिजनेस बढ़ेगा, कमरवारी में बाय और सेल कर रहे हो, कमरवारी, कमरवारी इज एन एरिया माय डियर, ठीक है, जहां पे मैं रह रहा हूं, कमरवारी एक एरिया है कश्मीर में, ठीक, इज इट क्लियर? तो इट इन अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया और कंट्री, सो यू गॉट द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमी। सो इकोनॉमी क्या होता है, जब हम किसी भी कंट्री या किसी भी जियोग्राफिकल रीजन को डिफाइन करें, है ना, किसी एरिया को डिफाइन करें इन तीन चीजों में, तो उसे हम क्या कहते हैं, इकोनॉमी। टफ लगा, टफ लगा यहां तक कोई क्वेश्चन? ऑल दीज एक्टिविटीज आर डेफिनेटली, दीज आर इंटर रिलेटेड। कोई क्वेश्चन है बेटा, कोई क्वेश्चन यहां तक? ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स, क्यों, टर्म्स तो पढ़नी है ना, टर्म्स तो पढ़नी है। तो सबसे पहला, सबसे पहला, द फर्स्ट वन इज प्रोड्यूसर। क्या बेटा? प्रोड्यूसर कौन होता है? द पर्सन हु प्रोड्यूसर्स गुड्स, जो इंसान चीजों को बनाता है उसे क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर। पढ़ाया, जो इंसान चीजों को बनाता है उसे क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर। क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर। इज इट क्लियर? क्योंकि पहले आपकी बेस बनानी है ना, ठीक। ओके, नेक्स्ट वन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब जब हम कोई चीज बनाते हैं ना, कोई चीज बनाते हैं, लेट इट बी, माय डियर मुझे बनाना है सिंपल सा सीमेंट बनाना है, क्या बनाना है, कितना अच्छा है ये सीमेंट, ठीक, इसके लिए मुझे चाहिए रॉक्स, इसके लिए मुझे चाहिए आयरन, इसके लिए मुझे चाहिए कोल, और इसके लिए मुझे चाहिए जिप्सम, क्या चाहिए, ये इन्हें क्या बनाना है, इन्हें बनाना है, देखो इनको जब मिलाया तब जाके क्या बना, सीमेंट। तो इन्हें आप कहते हो रॉ मटेरियल, क्या कहते हैं आप, और इन्हें आप कहते हो फिनिशेड गुड्स, क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना फिनिशेड गुड्स में, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना फिनिशेड गुड्स में, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इंटर इज कॉल्ड, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया किस में किया, मेरी तरफ बात कीजिए ना प्लीज, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल इंटर इज कॉल्ड, इज इट क्लियर, हु इज प्रोड्यूसर, द पर्सन हु प्रोड्यूसर्स गुड्स, ओके, व्हाट इज प्रोडक्शन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इंटू, आपने अभी कहा ना इट इंक्लूड्स प्रोडक्शन, क्या कहा, इकोनॉमी में क्या आता है, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन समझ आया, प्रोडक्शन समझ आया, समझ आया, ओके नेक्स्ट इकोनॉमिक, पढ़ाया ना मैंने, द एक्टिविटी विच इज डन फॉर, एक्टिविटी मीन्स फंक्शन, कोई भी काम, वो काम जो हम पैसों के लिए करें, वो काम, मैं पढ़ाता हूं ना, मुफ्त पढ़ाता हूं, मुफ्त पढ़ाता हूं, पैसा लेता हूं ना, मोटा मोटा पैसा मिलता हूं, तो व्हाट इज इट, इकोनॉमिक एक्टिविटी, व्हाट इज इट, वो काम जो हम करते हैं पैसों के लिए, द एक्टिविटी विच इज डन फॉर, द एक्टिविटी विच इज डन फॉर, उसे क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इज इट क्लियर,
समझ आ रहा है, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी. ओके, आफ्टर दैट नॉन इकोनॉमिक, जो हम दिल की तसल्ली के लिए करते हैं ना, दिल की द एक्टिविटी विच इज नॉट डन फॉर मनी. हम नमाज पढ़ते हैं, समझ आ रहा है, किसी बूढ़े की मदद की हमने, किसी बूढ़े की, समझ आ रहा है, ठीक है, हम किसी की इज्जत करते हैं. व्हाट यू कॉल दैट, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. समझ आ रहा है, जो पैसों के लिए हो, जो पैसों के लिए ना हो. इज इट क्लियर? ओके, वन मोर पॉइंट इज दैट कंजप्शन, यूजिंग ऑफ फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन इज कॉल्ड, मैंने शर्ट लाई खुद को पहनने के लिए, यू से इट्स कंजप्शन. समझ आ रहा है, इज इट क्लियर? या मैंने कोई चीज लाई खाने के लिए, खुद के लिए, यूजिंग ऑफ गुड्स, यूजिंग ऑफ, याद रखना, यूजिंग ऑफ एंड फॉर, दैट्स व्हाट यू कॉल. क्या कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? समझ आ रहा है, प्रोडक्शन मीन्स बनाना, इस्तेमाल करना मीन्स, प्रोडक्शन मीन्स इस्तेमाल करना मीन्स. कोई क्वेश्चन? ठीक, ओके. स्केयर्सिटी याद रखना, शॉर्टेज ऑफ विद रेस्पेक्ट टू देयर. समझ आ रहा है, जब हमारे पास चीजें ना हो, जब हमारे पास चीजें ना हो लेकिन डिमांड है, दैट्स व्हाट यू कॉल्ड स्केयर्सिटी. क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे आप? इज इट क्लियर? व्हाट यू कॉल दैट? स्केयर्सिटी. सो व्हाट इज स्केयर्सिटी? ये याद बोलना नहीं, शॉर्टेज ऑफ. चलो मैं आपको बताता हूं, ये स्केयर्सिटी ऐसे, एक शॉपकीपर हूं मैं, एक शॉपकीपर हूं, ठीक है, लेट इट बी मैं बुक सेलर हूं, क्या हूं, और मेरे पास है अकाउंटिंग की बुक, क्या है, और जो मेरे पास पैसा है ना टोटल, मेरे पास है ओनली 40,000 rupees. आई एम ए बुक सेलर एंड आई हैव ओनली 40,000, सो आई कैन परचेज बुक्स अप टू 40,000, नॉट बियॉन्ड दैट. मैं बुक्स खरीद सकता हूँ कितने की, क्योंकि मुझे भेजना है ना. अब मुझे लोग आ रहे हैं, हमें अकाउंटिंग बुक चाहिए, अकाउंटिंग बुक, ठीक है, आप समझो 70,000 तक के सेल हो सकती थी मुझे. डिमांड कितने की है, मेरे पास कितना है, व्हाट इज इट? समझ आ रहा है, व्हाट डज इट मीन? तो हमारे पास उतने गुड्स नहीं है, हमारे पास उतने गुड्स नहीं है, दैट्स व्हाट यू कॉल स्केयर्सिटी. क्या कहते हैं? समझ आ रहा है, स्केयर्सिटी. स्केयर्सिटी इज इंपॉर्टेंट टर्म. शॉर्टेज ऑफ गुड्स और रिसोर्स मींस एसेट विद रिस्पेक्ट टू देयर डिमांड, विद रिस्पेक्ट टू देयर. टफ लगा, टफ लगा? कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन यहां तक? ओके, नाउ दिस वाज, दिस वाज द इंपॉर्टेंट टर्म्स. अब और एक चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपने डिसाइड करना है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी. बेटा क्या, पहले बताता हूँ ये सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी होता क्या है. द कंपल्शन, आई यूज द टर्म द कंपल्शन. कंपल्शन क्या होता है वो भी बताऊंगा. ऑफ मेकिंग चॉइसेस अमंग अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्स इज कॉल्ड. देखो चॉइस क्या है, एक इंसान के पास ऑलवेज चॉइस होती है, या तो ये करेगा या तो ये करेगा. ये हॉल है जहां पे मैं पढ़ाता हूँ, मेरे पास चॉइस थी, या तो मैं यहाँ पे खुद पढ़ाता या तो मैं ये किराए पे देता. किराए पे देता, मुझे कोई काम नहीं करना था. अब खुद पढ़ा रहा हूँ, जब मुझे लगा कि नहीं ये मुझे देगा उतना, तब मैंने किराए पे नहीं दिया. एक चॉइस थी मुझे, चॉइस थी मुझे, चॉइस क्या थी कि ये हॉल मैं किराए पे दूं या खुद इस्तेमाल करूं. मैंने क्या किया? ओके, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी क्या होता है? द कंपल्शन ऑफ मेकिंग अमंग अल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्स इज कॉल्ड. देयर इज अ टर्म कंपल्शन. कंपल्शन का मतलब जो आपको करना ही, अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वॉन्टिंग. ये नहीं लिखना है वहां पर, आप ये लिखना ये आपके लिए है. अ वेरी स्ट्रॉन्ग of wanting to do something repeatedly, that is difficult. आपने समझ आ रहा है, that is compulsion. मतलब एक ऐसी चीज, एक जो मुश्किल है करना मगर आपको करनी ही पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल डाइटिंग इज, आपने समझ आ रहा है, आप खाते जाओ खाते जाओ, ऐसा बनो गया. आपने समझ आ रहा है, इज इट क्लियर? तो मैंने क्या कहा कि choices लेना, choices, ठीक. देखो आप इस वक्त पढ़ रहे हो, आप तो इस वक्त खेलने भी जा सकते थे, क्या यू कैन यूज स्नैपचैट एज वेल एट दिस टाइम, है ना, बट यू आर यूजिंग दिस टाइम.
टू लर्न इकोनॉमिक्स, टू लर्न दिस इज व्हाट यू कॉल सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सर हमें चॉइसेस लेना, हमें मतलब सर चॉइस क्या है, तीन चीजों में चॉइस है, हम क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, अब किसके लिए बनाएंगे, समझ आ रहा है क्या क्या, कितनी चॉइसेस है, कितने क्वेश्चंस है, तीन, व्हाट, दूसरा क्या है और तीसरा क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। तो याद रखना जब भी आपको क्वेश्चन आएगा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इस क्वेश्चन, इस टॉपिक में यूनिट वन में दो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एक ही ये, दूसरा है जो कल पढ़ाऊंगा, इज इट क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, जब आप लिखोगे व्हाट इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, व्हाट इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन, द कंपल्शन ऑफ मेकिंग, द कंपल्शन ऑफ मेकिंग अमंग ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स का मतलब आपके पास कैश है 5 लाख, आपके पास चॉइस है, या तो बिजनेस में आप इन्वेस्ट करोगे या तो आप जाओगे गोवा, इज इट क्लियर, है ना, या तो वहां जाओगे खेलने, ये चलो है लाइफ है यार, क्या यार इस जिंदगी में क्या लेना है हमें, है ना। और दूसरा होगा तो इन्वेस्ट करेंगे कल की सोच, कल की, इज इट क्लियर। अब तो तीन चीजें आती है इन चॉइसेस में कि अगर बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे और किसके लिए बनाएंगे और होम टू प्रोड्यूस, इज इट क्लियर। ओके द फर्स्ट वन इज व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या है बेटा पहला, व्हाट टू प्रोड्यूस, लफ्ज ही कहता है मैं हूं क्या, तो ये क्या कहता है, दिस प्रॉब्लम इंप्लाइज दैट विच टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विस आर टू बी एंड इन हाउ मच, तो समझ आ रहा है, घर वाले नीचे मुझे कह रहे थे काश तू उस वक्त मेडिकल टीचर बना होता, जरा मुझे बताओ क्यों, क्यों क्यों, ज्यादा पैसा है ना, आपने समझ आ रहा है, ज्यादा पैसा यहाँ पे है, लोग तो वहीं पे जाते हैं ना। अब सबसे पहले एक प्रोड्यूसर को देखना होता है कि हम क्या बनाएंगे, हम समझ आ रहा है, दिस प्रॉब्लम इंप्लाइज दैट विच टाइप ऑफ गुड्स एंड आर टू बी और कितनी मिकदार में, कितने, सपोज देखो मुझे हर साल देखना होता है मैं नोट कितने बनाऊंगा, नोट्स बनाए हैं नीचे, ठीक है, अब मुझे देखना अगर इन्होंने लिए तो मेरा पैसा जाया नहीं होगा, सर पैसा कहाँ जाया होगा, वो तो नेक्स्ट ईयर तक पैसा बंद है ना, समझ आ रहा है, इसीलिए हमारे पास चॉइस होती है हम कितने बनाएंगे, हम कितने, तो पहले था व्हाट टू प्रोड्यूस, दिस इंप्लाइज दैट कौन से गुड्स, अगर वो चीज बनाओ, अगर मैं कोई चीज बनाऊं क्या बनाऊं, चलो मेरी एक जमीन है, वाया दाल हाक किन दाने, समझ आ रहा है मेरे पास चॉइस है ना, मैं इसमें क्या उगाऊं, मैं उसमें क्या उगाऊं, इज इट क्लियर, ठीक है। अब पहले याद रखना दो गुड्स होते हैं हमारे पास, क्या होते हैं, एक तो होते हैं कैपिटल गुड्स, क्या होते हैं, और दूसरा होते हैं कंज्यूमर गुड्स, क्या होते हैं, गुड्स दैट आर यूज टू मेक, ये गुड्स हमें लगते हैं ये चीजें बनाने में, ये चीजें हमें लगते हैं ये चीजें, लेकिन इट डजंट मीन हमारा टॉपिक ये है, ठीक, ओके, गुड्स दैट आर यूज्ड फॉर, उसे कहते हैं कंज्यूमर गुड्स, ये गुड्स वो होते हैं जो लगते हैं कंज्यूमर गुड्स बनाने में, समझ आ रहा है, कंज्यूमर गुड्स कौन होते हैं, जो फाइनल कंजप्शन में लगते हैं, ठीक, ओके। दिस प्रॉब्लम अराइजेस एज रिसोर्सेज आर एंड हैव, आप समझो आपके पास कैश है लेट इट बी 1 लाख रुपए, इससे आप क्या क्या ला सकते हो, या तो कपड़े, चलो एक रिसोर्स, दूसरा चलो बाइक हो गए दो, चलो कैमरा, इज इट क्लियर, कितने ऑल्टरनेटिव यूज है इसे, है ना। तो ऐसे ही मैं क्या कह रहा हूं, दिस प्रॉब्लम अराइज एज रिसोर्सेज आर एंड हैव, जब आप घर वालों को मांगते हो ना फी, ठीक है, उस फी से वो कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन सबसे पहले वो आपको फी देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि नहीं इम्पोर्टेंट क्या है, तो पैसे हम इम्पोर्टेंट चीजों में लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इज इट क्लियर, ओके। फॉर एग्जांपल आई हैव गिवन यू एग्जांपल हियर, इफ ए फार्मर हैज अ सिंगल पीस ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड देन ही हैज टू मेक ए बिटवीन वेदर टू ग्रो राइस, तो ये समझ आए, एक जमीन पे मैं राइस उगाऊं या वीट उगाऊं, सो दिस इज व्हाट मैं क्या बनाऊं, इज इट क्लियर। सो व्हाट टू प्रोड्यूस समझ आया, व्हाट इज द सेकंड वन, हाउ टू, कैसे बनाएंगे, देखो तरीके हैं दो, तरीके हैं दो,
तरीके है दो। देखो ये जमीन है, अब तो मुझे आप अच्छे से जानते हो, आ चुका हूं क्या, ठीक है, या तो हम मजदूर लगाएंगे, मजदूर है ना लेबर, या तो हम मशीन लाएंगे डायरेक्ट, क्या लाएंगे समझ आ रहा है, या तो मजदूरों को लाएंगे या तो मशीन को लाएंगे, इज इट क्लियर। अगर मजदूरों को लाया तो उसे हम कहते हैं लेबर इंटेंसिव, क्या कहते हैं, अगर मशीन को तो उसे हम कहते हैं कैपिटल इंटेंसिव, कैपिटल टफ लगा, अगर मजदूरों को लाया मशीनों को लाया, नहीं समझ आ रहा है, ठीक, ओके। दिस प्रॉब्लम इंप्लाइज दैट विच टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, हम सीमेंट मत मजदूर बना सकते हैं, वहां पे मशीन अप्लाई करनी ही करनी है, अप्लाई करनी ही करनी है भाई, हाँ मैं हूं यहां, ठीक ओके, ठीक, मशीन से मजदूर भी, ठीक है मशीन, समझ आ रहा है, गाड़ियां बनाती है ना, कौन बनाती है, मशीन्स बनाती है, पालो बिचे इंसान है ना, इसे आप कहते हो लेबर इंटेंसिव, क्या कहते हैं इसे, क्या कहते हो, समझ आ रहा है, हम कौन सी टेक्निक अप्लाई करें, हम कौन सी टेक्निक अप्लाई, फॉर एग्जाम्पल लेबर, दिस टेक्निक यूजेस, देन ये मजदूरों को लेबर करती है, देन मशीन्स। देखो एक कंट्री के पास प्रॉब्लम पता है क्या होती है, हम मशीन को लाए कि मजदूरों को लाए, लाएंगे मशीन्स को, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी कंट्री की, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, इकोनॉमी डाउन, इकोनॉमी डाउन, कंट्री पीछे, नहीं समझ आया, अब मजदूरों को लाएगी वक्त के पीछे रहेगी, एक बैलेंस मेंटेन करना होता है, एक बैलेंस, समझ आ रहा है, कोई भी डिसीजन इजी नहीं होता है गवर्नमेंट के लिए, समझ आ रही है मेरी बात, ओके। तो मैंने क्या कहा, लेबर इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है, जहां पे हम इस्तेमाल करते हैं क्या, लेबर मोर देन मशीन, इज इट क्लियर, ओके। कैपिटल इंटेंसिव, दिस टेक्निक यूजेस, समझ आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल द प्रॉब्लम बिफोर द इंडियन गवर्नमेंट इज वेदर इट शुड प्रमोट कैपिटल इंटेंसिव, और इंडियन गवर्नमेंट के पास यही प्रॉब्लम है क्या, मशीन्स को लाए, अगर मशीन्स को लाए यहां से अनएम्प्लॉयमेंट, मजदूरों को लाए यहां से बैकवर्ड बनेगा, इज इट क्लियर, तो एक डिसीजन हमें लेना होता है, दिस इज व्हाट यू कॉल्ड हाउ टू प्रोड्यूस, क्या बेटा पहला क्या था, सेकेंड वन, ओके, प्रमोटिंग कैपिटल इंटेंसिव जो मैंने कहा कैन पुश द, वेयर एज प्रमोटिंग कैन रिड्यूस द, चीज अच्छे तरीके से बनाते थे ना, समझ आ रहा है, तो यहां तक समझ आया, ये क्या था, अब तीसरा है फॉर होम टू प्रोड्यूस, देखो मैं आपको बताऊं, आपको एक चीज बताता हूं, YouTube पे हम वीडियोस अपलोड करते थे धीरे धीरे, मतलब ऐसे, अब वहां पे उतने व्यूज नहीं आते थे, और पता है क्यों, हम बनाते थे बहुत इजी, धीरे धीरे पढ़ाते थे, हम पढ़ाते थे उन बच्चों के लिए जिन्हें समझ नहीं आता है, अब जिन्हें समझ नहीं आता है टीचर का वो वीडियो नहीं देखते, समझ नहीं आया, जिन्हें टीचर का समझ वो वीडियो नहीं देखते, क्योंकि वो 2 मिनट वीडियो देखते हैं उसके बाद वो चेंज करते हैं इंस्टा पे डायरेक्ट वो वीडियो कंटिन्यू। तो अब हमने इस साल से क्या किया, अब हमने टारगेट किया कि हम मॉडिफाइड पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, मतलब आप देखते होंगे कि इस वक्त यूट्यूब पे वो वीडियोस होते हैं रीजनिंग टिपिकल, समझ आ रहा है, तो हमने टारगेट मार्केट चुना, हम ये वीडियोस किसके लिए बना रहे हैं, हम उसके लिए बना रहे हैं जिसे एडवांस पढ़ना है, जिसे एडवांस, ऐसे ही एक मार्केटर, एक इकोनॉमिस्ट ये देखता है कि अगर मैंने बनाना है, मुझे गरीब के लिए बनाना है, मुझे अमीर के लिए बनाना है, इज इट क्लियर, समझ आ रहा है, इसके दिमाग में पहले ही यही होता है, समझ आ रहा है, ओके। दिस प्रॉब्लम डील्स विद वेदर द गुड्स प्रोड्यूस्ड आर फॉर पुअर पीपल, टफ लगा और समझ आ रहा है, ओके, द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द, अगर यहां पे 1,000 रुपए बढ़ाते हैं ना फी को,
दिस इज डाउन टाउन। वेयर एज यही टीचर अगर जाएगा अपर टाउन, कहां जाएगा? समझ आ रहा है? वहां पे इसी टीचर को, इसी टीचर को जो हम ले रहे हैं ना यहां पे जितना फी, इससे डबल वहां पे है। रीजन, वहां पे पेइंग कैपेसिटी लोगों की ज्यादा है, यहां पे, यहां पे है मगर मिनिमल। मतलब हाँ कोई दे सकता है मगर ऑन एन एवरेज नहीं दे सकते, ऑन एन एवरेज। सो इसीलिए हमें ये देखना होता है फॉर होम टू, देखो अकॉर्डिंग टू द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द, एंड दिस कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन द इनकम लेवल ऑफ द पीपल विच इज द, आई होप यू गॉट दिस। समझ आ रहा है? ठीक है, जो लोग यहाँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो लोग इसके लिए मेहनत करते होंगे वो ये चीज नहीं खाएंगे। समझ आ रहा है? जो इसके लिए मेहनत करते होंगे ना वो ये चीज, तो अगर इसके लिए वो मेहनत करते हैं, आपको ये चीज बनानी है, आपको क्या चीज बनानी है? अब इनके पास ये है, काफी पैसा है, अब ये नहीं बनाना है, आपको क्या बनाना है? ये। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? एंड फॉर इंस्टेंस मैं बताता हूं एक ही चीज, मैंने सारा रखा है बना के, ठीक है, ताकि काम आसान हो जाए। इमेजिन एन इकोनॉमी, आई सेड इकोनॉमी, व्हाट डज इट मीन? समझ आया आप? ठीक, प्रोड्यूसिंग टू गुड्स, नॉर्मल राइस एट द रेट ऑफ 15 पर केजी एंड द ग्रेडेड राइस 100। Nowadays, people eat brown rice. समझ आ रहा है? In order to be in a shape, है ना? Brown rice. Okay, थोड़ा महंगा पड़ता है। या तो बनाएंगे 15 per kg, या तो बनाएंगे 100. If the economy decide to cater the needs of, अगर इसने गरीबों का सोचना है, तो ये क्या बनाएगा? सोचना नहीं, मतलब गरीबों को भेजना है। तो सोचते कोई किसी के बारे में नहीं सोचता, except your family. Except you are you getting my idea? Okay. If the economy, if the someone is watching, okay. If the तभी तो मैंने लाइटें खाटी रखी। If the economy decided to cater the needs of the lower section of the, is it clear? कि अगर हम किने टारगेट कर रहे हैं, गरीबों को, तो हम बनाएंगे ना ये राइस। अगर हम अमीरों को टारगेट करेंगे तो हम क्या बनाएंगे बेटा? ये राइस। इज इट क्लियर? तो क्या थी तीन प्रॉब्लम्स? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। इज इट क्लियर? तो ये था आज आपका पहला टॉपिक। आई होप यहाँ तक ठीक है, जब तक आपको आदत हो जाएगी इतने टाइम तक पढ़ने की। ठीक, बाय बाय।